बच्चों आपके सामने एडवांस फ्रेजेस दे रहा हूँ, जो बच्चे रिपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं वे इनका प्रयोग कर बहुत उच्च गति से लिख सकेंगे। देखें किस प्रकार से बना रहा हूँ मैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अखिल भारत को आधा करें, कांग्रेस कमेटी तरह से काट दें और बीच में भाषा काट दें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। राजनीतिक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव का एस्टिलूप लगा दें, राजनीतिक प्रस्ताव। आर्थिक मामलों में डाउनवर्ड रह करें, था निकल जाएगा आधा करके, मामलों में। अधिक कारगर, अधिक कारगर को डबल कर दें, अधिक कारगर, या अगर ऐसा नहीं बनाना चाहें तो अधिक कार और गर बना दें, अधिक कारगर। विघटनकारी तत्व, वी व का हुक लगाएं, घ को आधा कर दें, ट निकल जाएगा, विघटनकारी तत्व, तवा को आधा कर दें, विघटनकारी तत्व। धार्मिक कट्टरता, धार्मिक अब कट्टर कट निकालने टर निकालने के लिए इसको बड़ा कर दें, धार्मिक कट्टरता, एक साथ बड़ा कर दें, धार्मिक कट्टरता। कहा गया है कि सर्वधर्म संभव, सर्वधर्म समभाव को डाल करके वो लगा दें, सर्वधर्म संभव। एक तरह से स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है पिछले वर्षों में। राजनीतिक और सामाजिक बुराइयां थोड़े से अंतराल से स्वयं माना है कि कारगर कदम, कर को डबल कर दें और म लगा दें। ये वैसे आउटलाइन कार्यक्रम की बन गई है। कारगर कदम करने के लिए आपको बड़ा करके यहाँ गोला लगाएंगे, ये कार्यक्रम और कारगर कदम। कर रही है, कर को डबल कर दें, कर रही है। सत्तारूढ़ पार्टी पास काट दें। तैयार करना होगा घेरा कर दें। वर्तमान सरकार उपचुनाव लाइन को काट के उप और वो लगा दें चुनाव का। इस बात का प्रमाण है कि, यही बना सकते हैं। उद्घाटन का बड़ा सब चीन है, भाषण करने के लिए बड़ा करके सनुक निकाल दें, उद्घाटन भाषण ऐसा बड़ा कर देंगे, ये सनुक लगा के। आर्थिक कार्यक्रम डाउनलोड रह करके क करके कार्यक्रम को डबल कर दें, आर्थिक कार्यक्रम। मुकाबले का सब चीन हमारे पास करने के लिए लगा दें, करने और इसमें ओमिट हो जाएगा, ये ध्यान रहे। अब बच्चों मैंने आपको ये आउटलाइन दे दी, अब आप इसको 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिखेंगे। यस स्टार्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी को सामाजिक और आर्थिक मामलों में अधिक कारगर बनाने के लिए उसमें व्यापक परिवर्तन करना स्वीकार किया है कि पार्टी अब तक चुनावों व सरकारी प्रक्रियाओं में ही व्यस्त रही है। राजनीतिक प्रस्ताव में राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता भी व्यक्त की गई है और पार्टी सदस्यों को आह्वान किया है कि विघटनकारी तत्वों, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता व राजनीति में जातिता के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ जनमानस तैयार करें। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि वह बहुसंख्यक या अल्पसंख्यकों के संप्रदायवाद के खिलाफ है और सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता का विरोध करती है। उसने
सर्वधर्म संभाव में अपनी गहरी निष्ठा और आस्था प्रकट की है। पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और अपने सदस्यों के लिए दिशा निर्देश का काम करता है। जो प्रस्ताव महासमिति ने पारित किया है वह एक तरह से पुराने प्रस्तावों को दोहराने मात्र से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया है कि पार्टी पिछले वर्षों में चुनाव और सरकारी प्रक्रियाओं में ही व्यस्त रही, जिन राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों पर उसका ध्यान अब गया है वे देश में कई वर्षों से है, और कांग्रेस आज़ादी के बाद से थोड़े से अंतराल को छोड़कर निरंतर सत्ता में रही है। उसने इन बुराइयों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसका स्पष्टीकरण तो प्रस्ताव में दिया ही जाना चाहिए था। पार्टी ने स्वयं माना है कि इन मोर्चों पर पार्टी ने कोई ठोस और कारगर कदम नहीं उठाए और जिन सामाजिक और राजनीतिक विकृतियों की वह आलोचना करती है और आज भी कर रही है उनके खिलाफ जनमानस बनाने की दिशा में कोई कारगर कदम उसने उठाया ही नहीं। देश की राजनीति में आई विकृतियों के लिए किसी पार्टी विशेष की प्रस्ताव में आलोचना करने मात्र से न तो ये विकृतियां दूर होंगी और न सत्तारूढ़ पार्टी का वर्चस्व ही बढ़ेगा। सांप्रदायिकता, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कानून या अदालती फैसलों से काबू नहीं पाया जा सकता। इसके लिए तो पार्टी को जनमत तैयार करना होगा। केंद्र में कांग्रेस की वर्तमान सरकार के गठन के बाद जो भी उपचुनाव हुए उनके परिणामों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पार्टी जनमत को अपने पक्ष में जागृत करने में पूरी तरह विफल हो रही है। दल बदल के सहारे लोकसभा में सरकार के पक्ष में बहुमत बना लेना इस बात का प्रमाण नहीं है कि पार्टी की जनता में एक धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद के खिलाफ पार्टी के रूप में उसकी साख बढ़ी है। पार्टी ने देश की राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर गहरी चिंता प्रकट की है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने इस खतरे को अब समझा है, जबकि राजनीति में यह विकार कोई नई बात नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी सांप्रदायिक और राजनीतिक विकृतियों को दोहराने मात्र से इन बुराइयों का मुकाबला नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष ने महासमिति के अधिवेशन में अपने उद्घाटन भाषण में पार्टी के कार्यक्रमों का मध्यावधि आकलन करने की अपील की तथा जातिवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम तैयार करने की सलाह दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार की पार्टी इकाइयों को मजबूत बनाने की आवश्यकता बताई है। धन्यवाद।